हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सभी का यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2022 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं और आपने भी काउंसलिंग का चॉइस लॉकिंग करी है और आपने एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट किया है और आपकी भी आशा है कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी की इस टाइम काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग आपकी हो ही गई, तो अब आपकी जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है उसकी चॉइस फिलिंग हो गई। अब आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है और कौन सा कॉलेज आपको सेलेक्ट मतलब आपको मिला है और कौन सी ब्रांच मिली है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा तो लास्ट तक बने रहिए। हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि आपका रिज़ल्ट कितने बजे तक आएगा। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आपने जैसे आप सीट अलर्ट होगी आपकी, आपको पता चल जाएगा कि हमें ये कॉलेज मिला है और ये ब्रांच मिली है। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप उसे फ्रीज कर देंगे, और आपको वो कॉलेज अच्छा नहीं लगता है तो आप उसे फ्लोट कर देंगे। जब आप उसे फ्रीज करेंगे तब आपको 3,000 रुपये देने हैं सिक्योरिटी फ़ीस के, और आप उसे फ्लोट करेंगे तो आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा और सेकंड राउंड में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। आपका डायरेक्ट सेकंड राउंड में काउंसलिंग हो जाए, मतलब आपका चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। तो आपका जो सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट है वो आज ही के दिन आएगा। आज आपकी डेट है 10 तारीख और आपका रिज़ल्ट आज ही आएगा। कितने बजे तक आएगा, क्योंकि जहाँ हमने दिया था, हमने भी काउंसलिंग करवाई थी, तो हमारा जो सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट था वो हमारा आया था 7 बजे के बाद। हमारा तो रात में आया था, काफ़ी टाइम बाद आया था, रात में हमारा 2 से 3 के बीच में आया था हमारा रिज़ल्ट। तो आप समझ सकते हैं कि 7 बजे के बाद ही आप सभी का रिज़ल्ट आएगा। तो ऐसा ही होता है BTUP का, तो आप सभी को पता ही है कि आपका जो रिज़ल्ट है सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट, वो 7 बजे के बाद ही आएगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।